Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz, and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. So be ready to flaunt your smile with all the positiveness, support a smile, peace. फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फाइज चौधरी को. रियाद में ये रहते हैं. खल्ली वल्ली शो इनका बहुत भरपूर शो है और उस शो में जा जवाजात इनका वो सॉन्ग था जिसके बाद इन्हें शोहरत मिली. मगर मैं इनको बहुत पहले से जो है जानती हूँ, तो इनकी डिटरमिनेशन जो है वो मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशनल है, आपके लिए भी होगी. तो चलिए उनकी कहानी सुनते हैं. जा जवाजात जवाजत जवाजत इजी जवाजत इजी असदी जवाजत जवाजत इजी जवाजत इजी असदी. वाओ, लुकिंग वेरी गुड. थैंक यू. कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. टुडे आई चोज ग्रीन. ओके, नाइस. आई चोज माय फेवरेट व्हाइट एंड ब्लू. तो मैं इनको गेस्ट को बता रही थी कि हमने फायज चौधरी को क्यों सेलेक्ट किया, हमारी पूरी टीम ने सेलेक्ट किया. Okay. और इसकी एक वजह ये है फ्रेंड्स कि फायज चौधरी को मैं जब से जानती हूँ, जब ये छोटे थे, राइट? यस, मैंने इंटरव्यू किया था. और आई वाज सो हैप्पी कि कोई ऐसा लड़का है जो ये नहीं कहता कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. वो अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद से तलाश करता है, उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है, और वो अपने काम पे ध्यान देता है, मेहनत करता है. मैंने मेहनत करते हुए इसको देखा है. और फिर एक वो दिन आया जब खली वली शो प्रोड्यूस हुआ, स्टार्ट हुआ, और उसमें फिर जा जवाजात आया. वाओ, मोर देन 9 मिलियन व्यूज और हाउ मच? यस, अभी तक जो है ऑलमोस्ट 8 या 9 मिलियन व्यूअर्स हैं उसमें. अभी भी चलता रहता है वो, काफी कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं उसमें. और उसके अलावा उस पे कुछ अवार्ड वगैरह भी मिला था. एग्जैक्टली, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में. मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा जो अवार्ड्स वगैरह. यहाँ पे अभी फिलहाल जो है ना, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, तो अच्छा है कि मैं आपको यहाँ का थोड़ा टूर कराऊंगा जहाँ पे हम अपना क्रिएटिव काम करते हैं. ग्रेट, ओके. तो बस मैं असल में यही बताना चाह रही थी कि ऑडियंस को कि इस तरह के तो बहुत सेलिब्रिटीज होते हैं जिन जो हाथों में सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं. और खासतौर पे सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी नहीं हैं, और फिर वो कहते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो फाइज उसकी एक जिंदा मिसाल है. इस बंदे ने अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट की, और ना सिर्फ अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाई बल्कि दूसरों के लिए भी क्रिएट की, विच इज अ वेरी बिग थिंग. और या तो और सारे लोग कहते हैं फाइज अपने वीडियोस में खुद आता है, और मैंने फाइज को बोला था अपनी वीडियोस में हमेशा खुद आओ बिकॉज आपकी ये क्रिएटिविटी है और ये आपका यू लुक गुड. और लोगों को चाहिए देखना चाहते हैं कि वो मास्टरमाइंड कौन है. लोग आपको कैमरे के पीछे के बजाय कैमरे के सामने देखना पसंद करेंगे. ठीक है, वो आपकी एक्टिंग स्किल से महसूस हो रहे होंगे, राइट? लेकिन एक शौक होता है कि वो कैमरे के पीछे कौन है जो ये सारा कर रहा है. वो तो सारे कठपुतलियां हैं जो आपके इशारों में नाच रहे थे. मास्टरमाइंड कौन है? तो मास्टरमाइंड को भी होना चाहिए किसी ना किसी रोल में हमेशा. अच्छा, बेसिकली यही होता है. मैं एक दफा फिर से सबको सलाम करना चाहूंगा जो भी माशाल्लाह से अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, और रमजान मुबारक टू एवरीवन. और आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू हम थोड़ी देर बैठ के जो है कि उसके साथ बात कर सके. और थैंक यू सो मच टू यू समीरा अजीज कि आपने जो है मुझे चूज किया. And I'm really glad and honor for me. अच्छा, बात ये हो रही है कि मैं जो हूँ, मेरा मकसद बेसिकली खली वली शो को बनाने का यही था. खास करके मैं जो हूँ यहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट हैं जो कुछ करना चाहते हैं वो जो हैं बाहर, मतलब हमारे शो के जरिए कुछ कर सके. और यकीनन ऐसा हुआ कि माशाल्लाह उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया. कुछ लोग माशाल्लाह काफी अच्छा कर गए और कुछ लोग वहीं पे रह गए. और मेरा खुद आना शो में, मेरा मकसद अपने आप को ज्यादा दिखाना नहीं बल्कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनका होना जरूरी है. क्योंकि मैं तो आता रहूंगा, नो प्रॉब्लम. मैं सऊदी टीवी पे भी आता हूँ, सऊदी ड्रामों में आता हूँ. अभी खलीजी ड्रामा किया एक, तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये कि जहाँ पे जो है ना ये लोग अपने आप को दिखा सकें, अपने आप को पॉलिश कर सकें, अपने आप को लोगों को दिखा सकें कि वो कुछ कर सकते हैं. तो खैर, काफी ऐसा होता है जैसे अभी आपने कहा कि खुद अपने आप को जो है ना ज्यादा दिखाओ, अपने आप को लेकर आओ. और आप मुझे याद है हमने जो लास्ट टाइम एक दफा वाइन की थी उस पे आपने कहा था कि फाइज तुम्हें ये रोल करना चाहिए था.
मैं वो वाइन का नाम नहीं लूंगा ताकि वो हमारे टीम मेंबर्स थोड़े नाराज ना हो जाएं, लेकिन आपकी बात ठीक है, आई नो कि मैं उससे बेहतर कर सकता था और मुझे वो चीज नहीं मिली। आपने भी खुद नोट किया ये कि मेरे ऑपोजिट अगर फाइज होता तो वो शायद बहुत अच्छा एक हमारा कॉन्सेप्ट बनता। जैसे मैं लास्ट टाइम वो ऑफिस वाला किया था, जो ऑफिस की जो हमारी एक वाइन थी उस पे जो है आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट की। हम जो एक दूसरे को वन टू दे रहे थे आपस में कि मैंने एक डायलॉग बोला, आपने ऑफ द स्क्रिप्ट बोल दिया वो चीज। सो वो एक बहुत अच्छी एक रिदम रहता है और वो जो है मैं सिखाना चाहता हूँ अपने टीम मेंबर्स को, जो हमारे देखने वाले उनको भी, कि भाई जब आप एक्ट कर रहे होते हैं आपको सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर जो लिखा है वो फॉलो ना करो, अपने तरीके से कुछ क्रिएटिविटी लेकर आओ। अगर कॉमेडी चल रही तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है कि आप जो है कुछ ऐसा कर जाए कि अगला बंदा वाकई में जो है आपके जो ऑपोजिट जो आपके ओपोनेंट है जो दूसरा एक्टर है को एक्टर है वो भी बहुत इंजॉय करे उस चीज को। तो खैर ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि दूसरों को ज्यादा जो है दी जाए, एक मौका दिया जाए, चांस दिया जाए। नहीं असल में पता है क्या, मैं और तुम फाइज हम लोग राइटर्स हैं, तो हम लोगों में वो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक है। एक्टर वो हमेशा क्रिएट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन हम लोग राइटर कम एक्टर हैं, ये बेसिक वजह है। अगर बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जैसे अभी जो थी कौन सा ड्रामा आया था जो बड़ा मेरे साथ तुम हो, उनके जो राइटर हैं मेरे पास तुम हो जी, बड़े कंट्रोवर्सी में भी रहे थे वो कहते हैं खलील रहमान साहब, खबर साहब, वो अगर मैंने फुल स्टॉप लिखा तो तुम फुल स्टॉप, अगर मैंने मेरे उनका एक लफ्ज यहाँ से वहां हो तो उनको बहुत गुस्सा आता है। तो कुछ अच्छा उनका कॉन्सेप्ट ऐसा है, हाँ वो कहते हैं कि कुछ भी अलग नहीं करना है, जो मैंने लिख दिया है वो पत्थर की लकीर है और आपने एक लफ्ज यहाँ से वहां नहीं करना है, क्योंकि उनको कुछ शिकायतें हैं पास्ट में उनके साथ, शायद कुछ उन्होंने ऐसा किया है जो एक्टर्स हैं कि वो जो चीज जिस तरह कहना चाह रहे हैं उस तरह से डिलीवर नहीं किया और रद्दबदल कर दिया, तो वो से थीम भी खराब होती है, अक्सर ऐसा भी रहता है। हाँ वैसे बेसिकली पता है क्या, ये जो सीरियस जो स्क्रिप्ट होती है ना उस पे तो जाहिर सी बात है, आपने जो है जैसे आपने कहा ना पत्थर पे लकीर, ये वाकई में ऐसा होता है कि आपने वो चीज बिल्कुल हिलानी नहीं है, जैसा लिखा गया वैसा ही लिखना है, क्योंकि जो राइटर होता है जाहिर सी बात है उसने एक अपना विजन के हिसाब से लिखा होता है। और कॉमेडी में चलता है, कॉमेडी में आप जो मर्जी करें नो प्रॉब्लम, इट्स योर बेबी, कि आप जो उसको जहां मर्जी ले जाओ लेकिन अच्छे तरीके से लेकर जाओ ताकि सही से एस्केलेट हो कॉमेडी। लेकिन सीरियस पे नहीं, सीरियस पे तो बहुत ही मुश्किल होता है, आप जो है आपको कोई ऐसा मतलब हक नहीं है एज एन एक्टर कि आप उसको अपने तरीके से बोलो, जो राइटर ने लिखा है जो डायरेक्टर बोल रहा है वैसे करो। फाइज हमारी गाने वाली फिल्म है फलीनी अतीर, उसमें फाइज बहुत अच्छा कॉमेडी रोल कर रहे हैं, रियली 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 गुड, और वो अपना कॉमेडी रोल फाइज ने खुद लिखा है, राइटर और एज अ कॉमेडी राइटर सुपर। और अभी ये जो मुन्नू फिल्म आ रही है उसमें मुझे था कि एक कोई चीज अधूरी अधूरी सी लगती है कि मैं कोई चीज करूँ और उसमें फाइज ना हो। थैंक यू सो मच, वो स्पेशल अपीयरेंस ना कहीं अटका हुआ था मेरे उसमें कि कहाँ निकालू कहाँ निकालू, एंड तो अब वो जो है बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है मुझे मतलब उसके बारे में बताया, और बस मुझे बस इसी चीज का इंतजार है कि हम उसको जो आप शूट करें और इंशाल्लाह तमाम चीजें लॉकडाउन वगैरह खत्म हो और अल्लाह ताला अपना करम करें सब पर, तो इंशाल्लाह हम जो है अपने तमाम काम जो है वो अच्छे तरीके से अदा करें। फिल्म मुन्नू का भी कॉन्सेप्ट ना ऐसा ही है कि उसमें सिर्फ नए लोगों को ही मौका दिया गया है और ये सारे टैलेंटेड लोग हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन उन्होंने कभी किसी ने उनको देखा नहीं है। उसमें जो हीरोइन है वो सनसनी वगैरह में आ चुकी है इंडिया में, बस वो है, लेकिन मैंने असल में कितने 17 लड़कियों के ऑडिशंस दिए थे उनमें ये दो लड़कियां सेलेक्ट की हैं मैंने, तो देखें इंशाल्लाह। और जो खुद मुन्नू का किरदार अदा कर रहे हैं वो बाय फेस बड़े मुन्नू, और यू नो मुझे बिल्कुल लगा कि वो किरदार उनपे बिल्कुल सूट करता है। मतलब ये एक बेसिकली एक लड़की की कहानी नहीं, ये एक लड़के की कहानी, एक ड्राइवर की कहानी है। अच्छा मुन्नू उसका मतलब कि कोई वो है कोई मतलब क्या रोल में हूँ इसमें, मैं खुद हूँ मैडम बनी हूँ, रूड ना शुक्री औरत। ओके ओके, इससे पहले आप कह रहे थे कि आप ये क्यों ले रही हैं, लोग आपसे नफरत करेंगे और ये इस तरह से, मुझे ना एक चीज सिखाई गई थी कि आप जो इंडिया में मैं थिएटर कर रही थी कि आप जो हो ना वो नहीं, जो आप नहीं हो ना वो करके दिखाओ तो आप एक्टर हो। ओके ओके, तो इसलिए उसमें मैं ये मेरी ये स्माइल विद समीर आजी से टोटल तो ये जो है ऑलरेडी मतलब स्क्रिप्ट और डायलॉग्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, सब कुछ रेडी है।
सब 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 रेडी है, अप्रूव्ड है सारा, इसकी रजिस्ट्रेशन, इसकी अप्रूवल सब हो गया। ओके, ये तो कोई असल में जी बेसिकली उर्दू का जी मेरा प्यार था, इसलिए मैं उर्दू में, मैं बताना चाहती हूँ कि सऊदी अरेबिया में उर्दू एग्जिस्ट करती है, और उर्दू में मैं ये फिल्म बनाना चाह रही थी, तो बस इसकी डबिंग अरबिक में होगी। जो ओके दूसरी वाली है वो अरबिक में है वो फिल्म, और उसकी डबिंग उर्दू में होगी, लेकिन ये वाली बनी उर्दू में रही है, सऊदी अरेबिया से ओके उर्दू परफेक्ट परफेक्ट। और इसका पूरा शूट जो है जद्दा में होगा। जद्दा में होगा। यस या आपका फाइटिंग कितने सीन मैं एक दिन में ही खत्म कर लूंगी। ओके गुड। हाँ, उसको मुझे इंशाल्लाह डिजाइन करना है अच्छे तरीके से। मैंने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, अच्छा लग रहा है। तो ये है कि क्या ड्यूरेशन क्या होगी इसकी पूरी मूवी की? फिल्म की ड्यूरेशन 50 मिनट्स, 45 to 50 मिनट्स ओके, इट्स अ होगी। शॉर्ट फिल्म। हाँ, इट्स अ शॉर्ट फिल्म। दो गाने दिए हैं कि एक नए सिंगर के, और वो चाह रहे हैं उस फिल्म में डालें, तो फिल्म शायद 1 घंटे की भी हो जाए, एक गाना तो 5 मिनट का होता है, तो गाने मैं फिल्म में डाल सकती हूँ, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ मैं डाल सकती हूँ, बट फिल्म लंबी हो जाती है, तो लेट्स सी, मैं वो गाने शूट कर लूंगी और फिर उसी हिसाब से देखेंगे कि किधर क्या करना है। ओके, सो बेसिकली आपका मकसद है कि ये मूवी बना के जो है इसको प्रोड्यूस करके आप जो है फिल्म फेस्टिवल्स में जो है इसको पार्टिसिपेशन में लेकर जाएंगे ना? एग्जैक्टली दैट्स आइडिया, गुड। क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है, और माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी आपने एक स्टेप लिया है, क्योंकि आजकल शॉर्ट मूवीज का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे खास करके जो मैंने लास्ट टाइम अपना ये सऊदी फिल्म फेस्टिवल में जो है पार्टिसिपेट किया था, मेरी एक मूवी थी, दो मूवीज थी बल्कि, एक किरदार मूवी थी और दूसरा जो है एक सऊदी मूवी थी, वो भी हमने जो है पार्टिसिपेशन में दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनेट हुई थी, और हम वहाँ पे गए थे इसरा अक्टूबर में, वहां पे इसको जो है एयर किया गया था। तो ये इट्स अ गुड थिंग कि आप जो है ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे भी आपको माशाल्लाह नाम है फिल्म मेकिंग में, तो जाहिर सी बात है इट्स गोना बी समथिंग वाओ। और क्या क्या कर रहे हैं आजकल, अपने बारे में बताएं, कोरोना के हालात में भी काम हो रहे हैं। हाँ, बस कोरोना के हालात में भी मतलब हम जैसे क्रिएटिव लोगों के लिए ये है कि हम जो चलो बैठ के ना अपने आप को, कोरोना हो या ना कोरोना, ठीक है, हम जो है घर पे बैठ के, वो जाहिर सी बात है आप भी लिखती रहती हैं, कुछ क्रिएटिव सोचती रहती हैं। अब ये है कि हमारा, मुझे भी कुछ टाइम मिल गया, क्योंकि बाहर शूटिंग काफी चल रही थी, मैं डिफरेंट कंपनीज के लिए काम कर रहा था, तो अब ये है कि अच्छा टाइम मिल गया कि हम बैठ के जो है ना अपने ऊपर अब ध्यान दें थोड़ा, कुछ खली वली शो खासकर, क्योंकि हमारे फैंस जो है काफी इंतजार कर रहे थे, कुछ नया नहीं आ रहा है, तो मैंने उनको बता दिया था रीजन लाइफ आके अपने पेज पे कि बेसिकली काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, पहले तो मैं जॉब करता था, वो भी मैंने छोड़ दिया, अब मैं फुल टाइम इस पे एफसी फिल्म्स पे जो है काम कर रहा हूँ और अपनी प्रोडक्शन चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब 1 साल हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अब सीरियस होके काम कर रहा हूँ, और खली वली शो पे थोड़ा हम हट गए, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले जो है मैंने कहा अपनी एक एफसी फिल्म से सही तरीके से ध्यान दिया जाए, उसको जो है अच्छे तरीके से एक लेवल तक ले आऊं, और बाद में इंशाल्लाह जो है अपने TKWS पे काम करेंगे। अभी काफी स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास, शूट करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब यही कि इंशाल्लाह लॉकडाउन जो है अभी खत्म हो तो हम इंशाल्लाह अपना काम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सही। जी, और गुलकारी की तरफ क्या कुछ ध्यान है? गुलकारी, टू बी ऑनेस्ट मैं गुलकार हूँ तो नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई कॉमेडी स्टफ बनता है, हाँ हमारा एक हमारी टीम का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे तो हम, जाहिर सी बात है अभी खैर रमजान है, लेकिन वैसे जो है नॉर्मली हर रोज कुछ ना कुछ हम आपस में ही गाना गाते रहते हैं अपने टीम मेंबर्स वगैरह। और व्हाट्सएप एक बहुत अच्छी चीज है, व्हाट्सएप जहाँ पे आप जो है अगर आप गुलकार बनना चाहते हैं तो अपने ही फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करो अपनी गुलकारी, वो आपको तारीफ कर देते हैं छोटी मोटी इधर उधर, और अगर आपको बोलने में कोई मसला है तो मैंने अपनी टीम को ये बताया हुआ है हमेशा कि भाई आपको अगर बोलने में मसला है, हम आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है व्हाट्सएप का कि आप अपने दोस्तों के साथ बोलना शुरू करो, अपने अंदाज में बोलो, कुछ करना चाहते हो करो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है खुल के लोगों के सामने आओ अलग तरीके से, और व्हाट्सएप जो है एक अच्छा आपके पास एक मटेरियल जहाँ पे आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो। तो आपने काफी गौर किया होगा कि मैं पहले ऐसे बोलता नहीं था जैसे अब मैं बोल रहा हूँ काफी। लास्ट टाइम मुझे पता है जब आप कभी मुझे कॉल करती थी, 3 4 साल पहले की बात है, तो मैं इतना ज्यादा फ्लुएंट नहीं था कि मैं आराम से बोल सकूं इतना कॉन्फिडेंट होके, तो ये तमाम चीजें वक्त के साथ साथ मुझे पता चला कि हम सीखते हैं, जो आपको करना होता है वो कर जाते हैं। तो यही है कि आप बस अपना एक फोकस रखो कि आपने करना क्या है जिंदगी में, तो इसी वजह से आप उसी ट्रैक पे चलते रहोगे। जाहिर सी बात है आप फेलियर फेल होगे तो आप कामयाब होगे, क्योंकि कामयाब अगर बिना फेल हुए होते हो तो आपको उसकी कदर महसूस नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है आपको पहले फेल होना पड़ेगा,
और आप सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने हर जगह, आपने हर जो है हर कदम पे अप एंड डाउन देखे, और माशाल्लाह हैट्स ऑफ टू यू ऑल्सो कि आप माशाल्लाह हम दोनों साथ साथ ही चलते आ रहे हैं। मुझे पता है कि आपकी स्टोरी कहाँ जा रही है, मेरी स्टोरी कहाँ जा रही है, तो हम मतलब ऑलमोस्ट वी आर सेम। नहीं फाइज चौधरी, बहुत काम किया है आपने और आप डिजर्व करते हैं, और मेरे ख्याल में माशाल्लाह राइट नाउ यू आर फ्लाइंग। लाइक थैंक यू। आपको तो जो है ये अपनी बताएं अपनी जर्नी, कुछ चैलेंजेस अपने। चैलेंजेस तो हाँ जाहिर सी बात है, शौक तो शुरू से ही था कि मैं फिल्म मेकर या फिर एक्टिंग करूं, और अपने आप को बचपन में ही शीशे के सामने मैंने सुना था एक्टर्स से, अक्सर मैं उन इंटरव्यूज वगैरह देखता था, तो कहते थे कि तब तो खैर वो अखबारों वगैरह में आता था, तब नेट नहीं होता था, मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ, मैं वैसे ही बता रहा मैं हूँ इतनी पुरानी। तो खैर वो अखबार वगैरह होते थे या फिर रिसाले जो आते थे उसमें, जो मैगजीन्स में जो हम पढ़ते थे कि एक्टर बोलता था कि अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आप अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप से बातें करो, अपने आप को देखो कि आप कितने पाने में हो, कुछ डायलॉग्स वगैरह में अक्सर जो मूवीज देखता था अमिताभ बच्चन की या शाहरुख की, तो उनके कुछ डायलॉग्स खास कर लेकर ना मैं घर पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता था। जाहिर सी बात है मेरे पास इतना कुछ खासा वो कुछ था नहीं कि उस पर हम कर सके अच्छी प्रैक्टिस, तो जाहिर सी बात है इस तरह से मैंने जो है ना अपने आप को स्टार्ट किया। मुझे पहले लगता था कि शायद बस ऐसी एक शौक है वक्ती तौर पे, बाद में खत्म हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा, मुझे पता है क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया में अक्सर जो लोग बच्चे खासकर जो मूवीज देखते हैं तो वो अपने आप को हीरो समझते हैं, अगर सुपरमैन देख ली तो अपने आप को सुपरमैन कुछ लम्हे तक समझता रहेगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, फिर वो चीज़ मर जाती है, खत्म हो जाती है, वो फिर अपना काम को लेकर जाता है। लेकिन मेरे अंदर ये चीज नहीं थी, मुझे पहले लगता था कि शायद ये वक्त ही होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है बढ़ता गया और शौक पैदा होता गया। फिर मैंने यहाँ पे आई थिंक 2010 में जो है मैंने यहाँ पे सऊदी एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन की थी सीखने के लिए एक्टिंग और डायरेक्शन। 3-4 महीने मैंने इनको ज्वाइन किया, जो कि मैं पहला पाकिस्तानी था जो कि मैंने सऊदी एक्टिंग एकेडमी में कदम रखा था, क्योंकि इन्होंने मुझे शुरू में कहा था कि इट्स इम्पॉसिबल, कैसा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सऊदीज अलाउ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर करके मैंने जो है अपनी मेहनत करके लिंक्स बना के थोड़े अपना जो है एडमिशन करवा लिया वहाँ पे। 4 महीने तक वहाँ पे मैंने बकायदा से मैंने प्रॉपरली स्टेज पे जो है, स्टेज एक्टिंग बाय द वे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, आई डोंट नो कभी आपने आपको तो एक्सपीरियंस होगा शायद इस चीज का, स्टेज पे परफॉर्मेंस मुंबई में मुझे हाँ कैमरे के आगे और स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना सर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप लाइव ऑडियंस को जो है आपने एंटरटेन करना होता है और आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती कोई गलती करने की, तो वो चीज मैंने की हुई स्टेज पे। जब मैंने आप कदम रखा फिर मुझे पता चला कि कैमरा के आगे आके करना, रीटेक्स करना, वो काफी हद तक आसान है। तो इस तरह से फिर आगे आगे बढ़ते रहे, जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिला सऊदी एक्टिंग एकेडमी का कि यस आई डिड इट, मैंने जो है अच्छे ग्रेड में जो है इसको पास कर लिया एक्टिंग और डायरेक्शन को, फिर वही चीज जो है मैंने आगे कॉपीज जाकर, इन्होंने मुझे एक सीडी बना के दी थी जहाँ पे मेरे एक्टिंग के तमाम काम थे जो मैं वहां करता रहा था, तो वो जो है मैं प्रोडक्शन हाउसेस में गया, हालांकि कम थे उस जमाने में, काफी कम प्रोडक्शन हाउसेस, 2-3 थे, फायजा मालकी का था और ताज मताज का था, उनको जाके मैंने दे दिया और एक्टर्स से ज्यादा बातचीत करना शुरू कर दी, क्योंकि वहां पे सऊदी एक्टिंग अकेडमी अक्सर आते होते थे सऊदी एक्टर्स, तो उनसे बात हो जाती थी, तो वहां से जो है ये कारवां बना के मुझे जो है छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए, छोटे छोटे रोल जहां पे मैंने नानी की, मैं आज की मिसाल देता हूँ, अगर आज किसी लड़के को जो कोई न्यू कमर है जो कुछ करना चाहता है हमारे खली वली शो में, मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहते हैं फायज भाई मैंने कुछ काम करना है, मैंने कहा ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, एक छोटा सा रोल है करोगे, नहीं नहीं छोटा रोल नहीं मुझे लीड रोल चाहिए, भाई आप पहले दफा आ रहे हो मैं आपको कैसे लीड रोल दे दूं, मैं खुद अभी तक अगर मुझे कोई ऑफर आती तो मैं अभी भी करता हूँ, क्योंकि यू नेवर नो ये मेरी मिसाल है, मैं खुद कर चुका हूँ ये। मैं छोटे रोल्स मैंने जब किया तो वो जो है बड़े रोल्स की नस्बत बहुत ज्यादा मेरे लिए एक फायदेमंद साबित हुआ, मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ कि लोगों के दिमाग में आपने बस अदा होती है आपकी कि आपने किस तरीके से उस डायलॉग को बोलना है, हालांकि 2-3 वर्ड्स होते हैं लेकिन वो लोगों के दिमाग में रह जाते हैं कि हाँ, मुझे जब भी कोई सऊदी बच्चा या शबाब अल-कौम में जो मैंने लास्ट टाइम काम किया था वो अक्सर लड़के आके मुझे कहते हैं हाँ तुम वही हो जिसने वो डायलॉग बोला था, हालांकि बिल्कुल छोटा सा था लेकिन उनको याद रह जाता है क्योंकि आपने अंदाज ऐसा रखा, आपने अपने तरीके से बोला तो वो याद रह गया। तो ये होता है कि आजकल के लड़कों को तो माशाल्लाह, मैं ये टिकटॉक की बात करूंगा
टिकटॉक पे जो जो आ रहा है आजकल वो समझता है कि ही इज अ वेरी फाइनेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, उसको ये लगता है. लेकिन उसको ये मतलब वो ख्याली पुलाव में रह रहे हैं टिकटॉक में, जितने भी लड़के हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, वो समझते हैं ही दे आर द टॉपर्स और 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूअर्स हैं उनके. ऐसा नहीं होता है. अगर आपको वाकई में कैमरे के सामने बिठा दिया जाए कि ओके कुछ बोल के दिखा दो अपनी आवाज में, क्योंकि वहां तो आप डबिंग कर रहे हो ना, सिर्फ एक्ट कर रहे हो, लेकिन आप जब रियल लाइफ में आके बोलोगे लोगों के सामने, लोगों ने आपकी असली आवाज तक नहीं सुनी है, तो आप कैसे अपने आप को स्टार कह सकते हो. सो ये जो आवाज का उतार चढ़ाव नहीं आता उन लोगों को. एग्जैक्टली बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी तो खैर हमें इस चीज का काफी एक्सपीरियंस हो गया और ये एक ऐसी फील्ड है कि आप अपने आप को ये नहीं कह सकते हो कि यस आई एम प्रोफेशनल. नहीं, ये एक ऐसी फील्ड है, आप डेली बेसिस पे आपको सीखना पड़ता है. हर न्यू स्क्रिप्ट आपके लिए एक नया चैलेंज लेकर आती है, हर न्यू स्क्रिप्ट आपके लिए एक नया स्कूल खोल देती है, क्योंकि भी आपने सीखना है. अगर आपको किसी खास डॉक्टर का रोल करना है तो आपको बकायदा से वो लिव करना पड़ता है, आपको बकायदा से डॉक्टर्स को जाके देखना पड़ता है कि हाँ भाई डॉक्टर्स रियल लाइफ में कैसे बात करते हैं, या कोई भी इंजीनियर हो या कोई भी ऐसा आपका कैरेक्टर है. जैसे आप अभी कह रहे हैं कि मुन्नू को लेते हैं अभी, अगर मुन्नू अगर ड्राइवर है तो मैं चाहता हूँ कि वो ड्राइवर जो है, जो एक्टर है, वो एक दफा ड्राइवर्स को जाके देखे रियल लाइफ में कि क्या हो रहा है. सुन रहा होगा. ओके, वेरी नाइस. अगर आप सुन ही रहे हैं तो आपको ये लिव करना पड़ेगा. एक दिन आपको बकायदा से ड्राइवर बन के देखना होगा कि रियल लाइफ में क्या करते हैं वो लोग, कौन सा करेक्टर है, इंडियन है, बंगाली है, पाकिस्तानी, तो किस किस्म का डायरेक्टर है, क्या करते हैं वो लोग बाहर जाके जब इंतजार करते हैं अपने मिसेस को जो या मिस को जो बाहर उतारते हैं मॉल में, बेचारे जो बाहर खड़े होते हैं उनके आपस में बीच में क्या बात होती है. ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि वो जो बाहर जाके बस जो बात होती है ना ड्राइवर्स के बीच में, मेरी जो ये मैडम है ना बहुत खराब है, ये जो है ना मुझे बहुत मारती है या मुझे बहुत तंग करती है, इसके हमेशा ड्रामे चलते रहते हैं, इस किस्म की बातें. जैसे सीन है इस फिल्म में. और दूसरे कुछ कहते हैं, नहीं मेरी मैडम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वो तो माशाल्लाह मुझे हर हर जुम्मे के जुम्मे जो है मुझे मुझे कुछ पैसे दे देती है, मुझसे बहुत जो है वो मुझसे लगाव रखती है, वो जो है हमेशा मेरी तारीफ करती है. यानी इस तरह के भी हैं, गुड एंड बैड दोनों होते हैं, लेकिन वो अंदाज आपको पकड़ना पड़ेगा कि मुन्नू क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए. सो कैरेक्टर को पकड़ने के लिए आपको जो है जीना पड़ता है कुछ लम्हों के लिए. एक मुझे याद है ये ऋतिक रोशन जो है, इन्होंने जो है एक काबिल फिल्म में जो एक डिसेबल पर्सन का जो रोल किया था, उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ तकरीबन 1 या 2 महीने मैं उनके पास गया था. वहां पे एक आई थिंक एक ऐसा होम है जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि वो लोग कैसे रह रहे हैं. तो उन्होंने 2 महीने वहां पे रहे, देखा कि लोग बेचारे कैसे सरवाइव करते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके उन्होंने अपने आप को वो किरदार में लेकर आए. तो ये है. और बस इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ता गया, आगे जो है मुझे रोल्स मिलते गए, छोटे रोल्स मिलते गए. मैंने कभी इनकार नहीं किया, आज भी इनकार नहीं करता हूँ. ये उन तमाम नौजवानों के लिए, न्यू कमर्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, छोटा रोल अगर आपके पास आए, चाहे साइलेंट भी है और इससे पहले अगर आपने कोई एक्ट नहीं किया तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा मिशन होगा. क्योंकि आपको लोकेशन पे जाके आपको तकरीबन 3 या 4 घंटे वेट करना पड़ता है अपनी बारी का. ये मैंने किया हुआ है, मैंने 8-8 घंटे इंतजार किया लोकेशन पे, फिर कहीं जाके मेरा 1 मिनट का जो है रोल आया, एक्ट आया, फिर मैंने उसको किया. इस दौरान मुझे फायदा ये हुआ कि जब 8 घंटे या 9 घंटे में इंतजार करता था, मैं ऑब्जर्व करता था ओके यहाँ पे जो है शूटिंग का माहौल है, लाइटें कहाँ लगी हैं, माइक कहाँ पे लगा हुआ है और कैमरा कहाँ पे है, कैमरा एंगल कौन सा है. इस दौरान मैं डायरेक्शन सीखता रहा, काफी मैंने सीखा इनको देखकर लाइव अपनी आंखों के सामने. ओके वो बंदा क्या कर रहा है, वो लाइट वहां पे क्यों रखी हुई है, क्यों रखी है तो क्यों रखी है, अपने आप से सवाल वहां पे क्यों रखा हुआ. अब जाहिर सी बात है आप उसको जाके तो छेड़ नहीं सकते ना, किसी को तंग नहीं कर सकते कि भाई तुमने लाइट यहाँ क्यों रखी, ओके हम अपना काम करें तुम अपना काम करो. तो खैर उससे जो है ना ऑब्जर्व करना शुरू किया, फिर ऐसा ऐसा सीखा अल्हम्दुलिल्लाह. यूट्यूब आपका बहुत अच्छा जो है दोस्त है, बहुत अच्छा आपका मैं कहूँगा प्रोफेसर है. आपको कुछ भी करना है तो आप जो है यूट्यूब को फॉलो करें. यूट्यूब में आपने कुछ भी करना है, ये फील्ड हो कोई भी फील्ड हो, आप बस लिखें हाउ टू एंड यू गॉट इट, दैट्स इट. तो ये है मेरा छोटा सा जर्नी, ये मैं अभी भी करता हूँ. मैं अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं कहता कि मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ या फिर एडिटर हूँ या फिर डायरेक्टर हूँ या फिर सिंगर हूँ. मैं सीख रहा हूँ और सीखते रहूंगा. आप इंशाल्लाह मुझे 2 या 3 या 4 या 5 साल के बाद भी आके पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा मैं सीख ही रहा हूँ.
कोरोना की वजह से अभी सऊदी फिल्म इंडस्ट्री अभी नई नई आई है, सब कुछ नया है, सिनेमा भी नए नए थे अभी तो, और भी बन रहे थे और सब कुछ बंद हो गया। क्या ख्याल है, क्या नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को? अभी इंडस्ट्री को अगेन मैं यही कहूंगा कि इनके लिए अभी एक बहुत अच्छा एक और दफा टाइम आ गया है कि जहां पे ये लोग बैठ के जो है ना स्क्रिप्ट्स को लिख सकें, और ये चल रहा है फिलहाल क्योंकि मेरे काफी यहाँ पे सऊदी एक्टर्स और राइटर्स से जो है लिंक है, तो अभी इनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि ये जो है बैठ के अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकें कि हमने जो है आने वाली मूवीज और किस किन मूवीज पे काम करना है। इस साल आई डोंट नो अगर आप एमपीसी वगैरह या दूसरे ड्रामे वगैरह देखती हैं तो इस साल जो है बहुत बड़ा डिजास्टर इनके लिए ये हुआ है कि इनके ड्रामे जो आजकल आ रहे हैं रमजान में खासकर जो आते हैं उस पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, तनकीद इन सेंस ऑफ कॉन्टेंट, स्टोरी, एक्टर्स और फिल्मिंग। यानी वो लोग इतने ज्यादा परेशान है मीडिया वाले और आवाम भी, ऑडियंस भी, क्योंकि ट्विटर पे आप मेरे ख्याल से आपको सामने आती होंगी चीजें कि तनकीद पे तनकीद की जा रही है कि भाई तुम लोगों ने किस तरीके का ड्रामा बनाया, किस तरह की स्क्रिप्ट लिखी, तुम लोग अपने रिवाइज क्यों नहीं करते हो स्क्रिप्ट बनाने से पहले। खैर अब इनके पास टाइम है कि ये जो है ये लोग अच्छे तरीके से अपने स्क्रिप्ट पे काम करें। यहाँ पे बहुत ज्यादा माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ज्यादा अभी बाहर से पढ़ के आए हैं ये लोग खासकर डायरेक्शन को, तो आई एम श्योर कि जो आने वाला वक्त जो होगा ना ये लॉकडाउन के बाद देखें ये बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं, क्योंकि अब इनके पास एक अच्छा टाइम है घर पे बैठ के जो लोग हैं ना ये एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार रखें और कॉन्सेप्ट को बना के रखें। और अभी ये बाय द वे ये लॉकडाउन से पहले पहले सऊदी फिल्म फेस्टिवल अनाउंस होने ही वाला था, बल्कि काफी लोगों ने अपनी फिल्म सबमिट वगैरह करवाई थी, तो अभी हमारे पास एक अच्छा टाइम भी है हम लोगों के लिए, आप और मैं जैसे हो गए कि आप जैसे भी अपनी मूवी तैयार करना चाह रही हैं शॉर्ट फिल्म, तो ये एक अच्छा टाइम है कि आप एक दफा उसको फिर से रिवाइज करें, सब कुछ ठीक ठाक है, लोकेशंस फाइनल कर लें, और मैं भी अपने तरीके से अपना जो है वो फाइटिंग सीन वगैरह उसको भी तैयार कर लेते हैं, और हमारे पास एक अच्छा टाइम आ गया कि हम इसको दोबारा से सबमिट कर सकें। हालांकि ये लॉकडाउन से पहले बंद होने वाली थी ये सबमिशन, तो अभी हमारे पास टाइम है हम इसको बना के प्रोड्यूस करके यहाँ पे सऊदी फिल्म फेस्टिवल में इसको फॉरवर्ड करें। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में अलग अलग, इंडिया में काफी होते हैं फिल्म फेस्टिवल, पाकिस्तान में काफी फिल्म फेस्टिवल होते हैं, तो वहां तक जो है हम जाके इसको दे सकते हैं। सही, सऊदी फिल्म फेस्टिवल का बहुत पहले से अनाउंसमेंट किया नहीं किया, और बस ये बताया गया कि 6 फिल्में सबमिट हुई हैं। अब मैंने भी पूछा बीइंग अ मीडिया पर्सन कि कब आप लोग ने इस बारे में बताया, वो 6 फिल्में जब बनी है जी पहले का प्रोसेस क्या था, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और अभी भी लॉकडाउन के बाद जो फिल्में वो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हैं वो ही आ सकेंगी, हम लोग तो अभी प्री प्रोडक्शन के मराहिल में हैं, हमें शूटिंग करनी थी, 10-15 दिन तो शूटिंग के लग जाएंगे, देन उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी रहता है, और फिर साथ में हम लोग दूसरे काम भी कर रहे होते हैं, जैसे मैं हूँ बिजनेस का एक बहुत बड़ा बोझ है मेरे ऊपर, 6-6 कंपनियों का बोझ है, और सारे चैलेंजेस हैं, तो हम तो, और इसमें सारे वो लोग हैं जो बकायदा कहीं ना कहीं काम करते हैं। ये मैंने यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग एक्टर्स को एक उनके लिए मौका तलाश किया कि वो लोग जो हैं इस फिल्म में आए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सऊदी फिल्म फेस्टिवल के लिए इसको दे सकूंगी। हाँ, लेकिन मुझे अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में और इंडीवुड फेस्टिवल की, तो मैं खुद भी एम्बेसडर हूँ इंडीवुड फेस्टिवल के बारे में, ये पूरे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉलीवुड, इट्स अबाउट टॉलीवुड और सारे जितने भी पूरे इंडिया के हैं, इसके अंदर आते हैं। ओके, गुड। असल में प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत बड़े बड़े, लोग जानते हैं, तो मुझे लगा कि इसको मैं जब यूज कर सकती हूँ तो क्यों ना इस टैलेंट को जो है वो मौका दूं। परफेक्ट, और मैं खुद तो, मेरा तो अपना बहुत बुरा रोल है लेकिन वो बाय द वे आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जाहिर सी ऐसे लगता है कि ओके शी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट वुमन, कि जाहिर सी बात है ये जो है कि अगर आपको कोई बोलते ना देखे वैसे ही अगर आप खामोशी से कहीं से जा रही हो तो लोग आपसे वैसे ही अगर आप कहीं से गुजरें वैसे ही थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि ओके इससे पीछे हो जाओ थोड़ा। प्राउड लेडी। यस, एग्जैक्टली। बिजनेस कार्ड देखकर तो लोग सबसे पहले वो होते हैं ना, जो चेयर पर्सन लिखा हुआ है, तो इस वजह से। Yes. So, लेकिन जब वो मिलते हैं तो पीपल बिकम शॉक्ड, यू नो, क्योंकि मेरे दरवाजे यहाँ से यहाँ तक ना खुला। Exactly, हाँ, वो आपकी एक स्माइल जो है ना आपका एक बहुत बड़ा वेपन है लोगों को दिखा देते हो कि
और बताइए आपने आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में। आगे के प्रोजेक्ट्स, लॉकडाउन से पहले मैंने जो है दो तीन सऊदी ड्रामा सीरीज किए हैं। एक खलीजी ड्रामा सीरीज किया जिसमें मेरा लीड रोल है, और उसका नाम है वसीयत बदर। वो MBC पे इंशाल्लाह आएगा रमजान के बाद। उस पे बेसिकली 30 एपिसोड्स हैं और मेरे तकरीबन कोई 60 सीन्स हैं उसमें। और इसके बाद जो है शबाबुल बॉम, जो कि माशाल्लाह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज, कॉमेडी सीरीज, जो कि अक्सर रमजान पे आता था लेकिन इस साल रमजान पे नहीं आया। सीजन 9 मैं इनके साथ शुरू से ही हूँ, फर्स्ट सीजन से इनके साथ चलता आ रहा हूँ। हर साल ये जब इसको प्रोड्यूस करते हैं तो मुझे ये कोई ना कोई रोल देते हैं। इस बार इन्होंने मुझे 4 एपिसोड्स दी, और इसपे मेरा बाय द वे गाना भी है। इन्होंने मुझे कहा अच्छा कि एक एक बारात आएगी, देसी बारात होगी, जिसमें जो है इनका एक कोई ड्राइवर होगा जिसकी शादी होगी एक इंडियन लड़की से। वो नूरा बलूची है, नूरा बलूची आपने देखी होगी जो मेरे साथ ही होती है। तो उसमें जो है नूरा बलूची भी है, और इसमें जो है बाकायदा से मुझे एक सिंगर बनाया हो कि मैं जो हूँ ना बारात लेकर आ रहा हूँ, गाता आ रहा हूँ। उसको उसको मैंने खुद से लिखा है, कंपोज किया है गाने को, उर्दू में ही है। और फैसल अल ईसा जो प्रोड्यूसर है, जो एक्टर है, लीड एक्टर इसका शबाबुल बॉम का, तो उसने मुझे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है इस बार कुछ ऐसा क्रिएट करो जो कि बाकायदा से मतलब एक कॉपीराइट वगैरह का मसला ना हो। ठीक है, मैंने कहा कि मैं खुद से कंपोज करता हूँ। तो फैसल क्या नाम है, फरहान गिलानी का एक फ्रेंड्स है जो कि दुबई में होते हैं, उन्होंने फिर इसको जो है म्यूजिक वगैरह बाकायदा से इसको बना के वो मैं इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा आपको। क्या नाम है ये, इंशाल्लाह आप जो है MBC पे आएगा रमजान के बाद। तो अभी रिसेंटली मेरे यही काम थे, मैं काफी बिजी था इनमें। उसके अलावा जो है मैं, जाहिर सी बात है, फिल्मिंग से रिलेटेड अपना काम जो है, मैं काफी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्री बना दी, या फिर कोई एड बना दिया, या फिर फोटोग्राफी का कोई काम हो गया, तो इस तरह से काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा फाइज, इतना बड़ा रिस्क लेना कि जॉब छोड़ के बकायदा सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन की तरफ आ जाना, साथ में फैमिली है, डर नहीं लगा? ये वैसे बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये बहुत ही, समझ ले मैं इसको प्लान कर रहा था तकरीबन 3-4 साल से कि मैंने जॉब छोड़नी है। मैं ऑलरेडी तकरीबन 2011 से फिल्म मेकिंग में आ तो गया था, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं आया था कि मैं अपने आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाऊं क्योंकि अब ये वक्त है कि मुझे छोड़ना होगा। मैं जिस जगह पे काम करता था, आपको पता है, ये फैसले में जहाँ काम कर रहा था, तकरीबन मैं 19 साल से काम कर रहा था, सिंस 2000 मैं वहीं पे काम कर रहा था, और मेरी फील्ड भी नहीं थी वो। और मुझे हमेशा शुरू से ये रहा कि मैं इस चीज में मजबूरन क्यों काम कर रहा हूँ। मुझे शुरू से ये चीज थी कि ठीक है, ओके, एक मंथली आपको इनकम मिल रही है, पैसा आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन मैं खुश नहीं था, मैं शुरू से खुश नहीं था। मैंने कहा मेरा मेरी फील्ड अलग है। और तब 2000 तो खैर ये एक स्कोप भी इतना ज्यादा नहीं था मीडिया का, अब तो खैर माशाल्लाह ओपन हो चुका है, तो नाउ यू कैन सी थिंग्स इवन मोर क्लियरली। तो 2018 था जब मैंने इसको फाइनली डिसाइड किया था कि मैं जो हम छोड़ दूंगा। मुझे काफी लड़कों ने कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, तुम्हारी फैमिली, जैसे अभी आपने कहा तुम्हारी फैमिली है, तुमने घर चलाना है, कैसे चलाओगे यहाँ पे, जो खास कर यही तो होता है कि आपकी जॉब होना जरूरी है, फिर जो करना करते रहो बाद में। मैंने कहा कुछ सिचुएशंस भी ऐसी चल रही थी ऑफिस में, अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है, कि अप एंड डाउन चल रहे थे, तो काफी टेंशन में चीजें जा रही थी। तो मैंने कहा कि अब जो है वक्त आ चुका है कि मैं जो हूँ अब इसको खैराबाद कह दूँ जॉब को। फिर ये था कि ओके, जॉब ये छोड़ा, हो सकता है खुदा ना खास्ता कल ना हुआ तो मैं कोई अगली जॉब ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं था, एज अ बैकअप रखा हुआ था मैंने इसको। खैर मेरा एक सऊदी दोस्त था, उसको मैंने कहा कि जो है मैंने अपनी जॉब छोड़ी अल्लाह का नाम लेकर, और जॉब को छोड़ने के बाद जो है मैंने सीधा सीधे जो है अपनी अपनी ये फिल्म मेकिंग में ध्यान दिया। जाहिर सी बात है तब तक मेरे अच्छे खासे लिंक्स बन चुके थे, मैंने अपने तमाम लिंक्स को बता दिया होता कि अगर आपको कोई फिल्म मेकिंग का कुछ काम है, कुछ है, प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी। मैंने अपनी जो है वेबसाइट बनाई बाकायदा से, मैंने जो है अपनी जो है शोरील वगैरह तैयार की, वीडियोज की, ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को दिखा सकूं, क्लाइंट्स को जाके मिलने शुरू किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 साल हो चुका है मुझे। शुरू शुरू में मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद मैं लड़खड़ा के गिर ना जाऊं, तो ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मौके काफी बने थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है बस, मैं एक अच्छी बात यह कि मैं बहुत ज्यादा एक चीज पे अटक जाऊं ना तो बस अटक गया, वहां से हिलना नहीं है, कुछ भी हो जाए ढीठ
नहीं, इसको डेटरमिनेशन कहते हैं, डेटरमिनेशन. अच्छा 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 नाम दे दिया आपने. तो खैर काफी लोगों ने मुझे सुनाई, घर वालों से भी सुननी पड़ी मुझे, जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि तुमने क्या कर रही, भाइयों से मुझे सुननी पड़ी कि भाई तुम क्या कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो, फिल्म मेकिंग बाद में करते रहना, ये कोई ऐसा काम नहीं जो कि आप जो है प्रॉपरली करते रहो बाद में. ओके वेल एंड गुड, लेकिन वही डिटरमिनेशन. मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हिलने वाला, मैं अपना काम इंशाल्लाह करूंगा और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करूंगा. तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बस आज का दिन है कि मैं, एक साल हो चुका है ऑलमोस्ट लाइक, और चीजें अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली चल रही है. बस ये लॉकडाउन की वजह से काफी काम जब रुक गया है, तो जाहिर सी बात है हमने अपने क्लाइंट्स को भी अभी ऑन होल्ड रखा हुआ है, क्योंकि हमारे काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, खासकर हॉस्पिटल्स के लिए मैं काफी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह तैयार कर रहा था. आपको तो वैसे मैं दिखाता रहता हूँ अपना काम, तो आपने तो देखा ही हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चल रहा है बस. फाइजा, सबसे अच्छा कैमरा कैसा, कौन सा हो सकता है आपके मुताबिक? अभी कैमरे का के बारे में बात हो तो काफी कैमराज हैं, काफी कैमराज हैं. कैमरा ये खासकर वो लोग हैं जो अभी जो खैर लाइव हैं और जो बाद में भी आएंगे, उनको मैं बता दूं कि कैमरा कोई चीज नहीं है, सबसे मेन चीज आपकी पता क्या है, आपका कंटेंट और आप. अगर आपका कंटेंट अच्छा है, भले आप उसको मोबाइल से भी बना लो ना, तो यकीन करो वो वायरल हो जाएगा. मैं टिकटॉक की बात नहीं कर रहा हूँ. टिकटॉकर्स प्लीज पीछे हो जाओ, मैं आप लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. आप लोग प्लीज अगर देख रहे हो तो ये भी देख सुन लो कि आप अपने आप को एक्टर और ये फिल्म मेकर नहीं कह सकते हो, क्योंकि आप टिकटॉक पे हो ऑलरेडी, आपका 90% काम हो चुका है, आप सिर्फ उसके ऊपर अपने एक्ट कर रहे हो. तो आपको अगर कोई, अगर आप सोचते हो, मैंने काफी लड़के, मैंने कहा फायज भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैंने कहा ठीक है ओके, आप अपना कुछ कंटेंट बनाने तैयार करो, मैं आपके साथ रह के कुछ करना चाहता हूँ, मैंने ठीक है ओके मोस्ट वेलकम, क्या करोगे आप डिसाइड करें. भाई आपकी लाइफ है, आपका फोकस होना चाहिए कि आपने क्या करना है फ्यूचर में, मैं कैसे डिसाइड करूं. खैर मैं उनको हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि भाई आपने अगर कुछ बनाना है तो अपने सामने से ये जो जो छोटी मोटी जो ऑब्स्टिकल्स है ना, जो कहते हो कि भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मैं उनको यही कहता हूं कि भाई दूसरे लोगों की मिसालें लो, जो कि मोबाइल से उन्होंने शुरू किया था और वो जो आज टीवी पे है. हमारे पाकिस्तान के काफी ऐसे आर्टिस्ट हैं, एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वो तो आजकल माशाल्लाह बोल टीवी पे आता है, ARY पे आता है. तो उसने क्या किया था, सिर्फ मोबाइल से जो है अपना जो है एक्ट दिखाया था. तो आपके सामने ये जैद अली जो है, जो आई थिंक कनाडा में होते हैं, ये लड़का, इसने भी यही किया है, इसने मोबाइल से स्टार्ट किया था, इसका कॉन्टेंट अच्छा था तो इस वजह से फेमस हुआ. तो कैमरा डजंट मैटर, लेकिन बैक अगेन मैं यही कहूंगा कि कैमरा जो है यहाँ पे तो खैर काफी कैमराज हैं. मैंने कैनन से स्टार्ट किया था, कैनन 650D से, जिसमें मैंने जाज आवाजात बनाया था, जिससे मैंने वेद कफील बनाया था, जिससे मैंने वाई दिस खली वली बनाया था. हमारा 80-70% जितना भी खली वली शो पे काम है ना, वो कैनन 650D से बना है. और फिर उसके बाद हमने थोड़ा अपने आप को अपग्रेड किया, हमने लिया था ब्लैक मैजिक सिनेमा कैमरा 4K, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है माशाल्लाह आज भी जो है इससे काफी मूवीज तैयार की जाती हैं, एड्स तैयार किए जाते हैं, और इसका इसका जो आउटकम जो होता है, जो इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है बहुत अच्छा होता है. बस इसके लिए है कि आपको एडिटिंग की काफी अच्छी सेंस होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कलर ग्रेडिंग वगैरह होती है और काफी भारी कैमरा है. लेकिन मैं उन लोगों के लिए यही कहूंगा कि अगर आप अभी बिगिनर्स हैं तो कैनन का कोई भी कैमरा लीजिए, DSLR कोई भी लीजिए, या सोनी का हो या निकॉन का हो या फिर कैनन हो, लेकिन अपना अगर स्टार्ट करना है, नहीं है आपके पास कुछ भी करने को, मोबाइल इज योर बेस्ट फ्रेंड. मोबाइल को यूज करें और कंटेंट बनाना तैयार करें. लाइट नहीं है तो कुछ भी सोचो, आप हजार ऑप्शंस है आपके पास. अगर यहां से आप क्रिएटिव माइंड नहीं बनाओगे ना, तो आगे जाके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कल को आप अपनी एक सक्सेस स्टोरी बता सकते हो लोगों को कि देखो मेरे पास कुछ नहीं होता था तब भी मैं ये चीज बनाता था, और आज मेरे पास बहुत कुछ है तो भी मैं बहुत कुछ बना रहा हूँ. ऐसी मिसालें काफी हैं, मैं काफी लड़कों को जानता हूँ यहाँ रियाद में, कि उनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है प्रोडक्शन का, A to Z, कि वो अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो घर पे बैठे हैं और दे हैव नथिंग टू डू, क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते हैं. वो सोचते हैं कि अगर मैं अकेला हूं तो मेरे साथ मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता. मेरा ये मानना है कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं,
और अगर टीम हो जाए फिर आपके साथ, तो फिर आप तो माशाल्लाह कमाल कर सकते हैं। जी फैज, आपके पास जो टीम है देखा है, और अच्छे एक्टर्स हैं वो सब लोग, जी। तो और इससे पहले बहुत सारी टीम थी और फिर वो सारे अलग हो गए, जी। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आपके, वो जो लोग अपनी बार बार अपनी पटरी बदलते हैं और उससे ना कोई फायदा नहीं होता है, आप जो हो मतलब सामने वाले से अपने लीडर को आप सबसे पहले उसकी इज्जत करना सीखो, एग्जैक्टली हाँ, तो वो उस बारे में बताएं, कभी काफी दिल टूटा होगा आपका भी। हाँ, मुझे अफसोस इसी चीज का है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा जो मेन मकसद था खली वली शो को बनाने का, मैं ये जो कारवां स्टार्ट हुआ था ना, एक था टाइगर से हुआ था। अगर आपको याद हो हमने कॉमेडी मूवी बनाई थी एक था टाइगर, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी थी और काफी लोगों ने उसको पसंद किया था। एक था टाइगर से जो है, हमें तकरीबन 10 लड़कों की तलाश थी, जहां पे मैंने उसको बाकायदा से ऑडिशन किया था लड़कों का, और वो माशाल्लाह अच्छी टीम बन गई थी, जहाँ पे सबको ऑडिशन करके हमने मूवी बनाई थी, हमें कामयाबी मिली थी। फिर जावजात पे हमने उनको लिया था, काफी कामयाबी मिली थी। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास शुरू हुआ कि ये लोग जो हैं कुछ अंदर ही अंदर कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ खिचड़ी बन रही है। जाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ आपको इंसान का पता चलता है कि उसका जो मिशन है, गोल है, क्या है। तो खैर, एक लड़का पहले निकला, जाहिर सी बात है मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, एक लड़का हमारी टीम से निकला और मुझे ऐसा ऐसा पता चला कि वो अपना ही कुछ प्लान कर रहा है कि ओके अगर ये अच्छा। हमारे पता है लोगों में मसला क्या है, हमारे लोगों में मसला ये है, चाहे आप किसी भी फील्ड में, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं लास्ट टाइम कराची गया था, मैंने ये बात कराची में भी कही थी, उन्होंने भी मुझसे यही चीज पूछी थी कि वो एक टीवी प्रोग्राम में, कि हमारा मसला ये है कि हम जब किसी के साथ काम करते हैं ना, तो हम अच्छी नीयत से काम नहीं करते हैं, कुछ वक्त तक हम काम करते रहते हैं, फिर हम सोचते हैं ओके ये बंदा अगर ये काम कर रहा है, मैं सारा कुछ सीख चुका हूँ, मैं क्यों नहीं करूँ ये। जिसने क्या थोड़ा सा तो काम है, कैमरा पकड़ लिया, एडिटिंग कर ली, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। वो जो है ना उसके अंदर, हाँ, उनके उसके कान में जो चीजें आ जाती है ना, दिमाग में भर जाती है, तो वो उसको जो है बर्बाद कर देती है। मैं ये नाम लफ्ज इस्तेमाल करूंगा बर्बाद करना, क्योंकि वो समझता है उस वक्त उसके सामने एक ख्याली पुलाव चल रहा होता है कि मैं ये करके ये करूंगा, मैं अपने टीम का नाम रखूंगा, मैं प्रोडक्शन बना लूंगा, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं कमाना शुरू कर दूंगा। मेरे पास तीन ऐसी मिसालें हैं मेरे टीम में से, नहीं तीन नहीं बल्कि चार ग्रुप्स निकले हैं मेरी टीम में से, और मेरे टीम के मेंबर खुद इस चीज के गवाह हैं। और 3-4 या 5 साल हो चुके हैं, उन्होंने शुरू शुरू में बहुत ज्यादा जो है वो भंगड़ा डाला कि भाई हमने ये बना लिया, वो बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और आज वो गायब है। आप उनके मैं आपको अगर पर्सनली जाके उनके पेजेस वगैरह भेजूं, आप जाके खुद चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि दे आर डेड, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि अच्छी खासी टीम बना के वो निकले थे और अच्छा खासा उनके पास प्रोडक्शन का काम सामान था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बस एक वक्ती था उनके अंदर इस चीज, उनको लगा कि वो हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन ये वक्ती था। और जाहिर सी बात है, आप अगर किसी को धोखा दे के जब कुछ करने की कोशिश करोगे, तो अल्लाह ताला आपके काम में कभी भी बरकत नहीं डालेगा, ये कन्फर्म है। नीयत अच्छी नीयत से साफ करो, काम करोगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला आपको बरकत देगा, आपके काम आसान करता जाएगा। तो ये हुआ लड़कों के साथ, मुझे अफसोस होता है कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि आज भी लोग हमें कहते हैं कि आप लोगों की पहली टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग काम करते थे। बस यही बात है, एक जब लालच किसी के दिमाग में आ जाती है ना, तो वो उसको बर्बाद करके रख देती है। तो एक फील्ड के बारे में बात करूंगा मैं, हमारे पाकिस्तान या इंडिया, आई डोंट नो दूसरी कंट्रीज में ये चीज होती है कि नहीं होती है, हमारे हमारे लोग ऐसे हैं, भिखारी की बात करता हूँ, भिखारी हमारा, भिखारी जो रोड पे बैठा होता है, किसी कॉर्नर पे बैठा है ना भिखारी, वो बैठा होता है ना, तो वो सोच रहा होता है कि वो जो सामने दूसरा भिखारी बैठा है वो जगह मैं ले लूं, उसको ज्यादा पैसे आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे हैं। यानी ये हमारा हाल है, यानी हम किसी को यानी ऊपर चढ़ता देख नहीं सकते, यानी ये हमारे कंट्रीज का हाल है, ये हमारे अंदर का हाल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आतिफ असलम का ग्रुप इसी तरह टूटा था, ये इस तरह की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिंगर्स के साथ हुआ है। एग्जैक्टली तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं माशाल्लाह से अभी भी साथ हैं, और इसीलिए उनका नाम है क्योंकि वो माशाल्लाह साथ हैं, उनमें कोई लालच नहीं है। आपके सामने ये स्पाइस गर्ल्स हो गई और बैक स्ट्रीट बॉयज हो गए, अभी तक साथ हैं उन लोग।
हमारे बचपन के आर्टिस्ट हैं वो, प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, और जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लोग होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, फिर वो उसी तरह से सामने आते हैं और वो ही परमानेंटली रहते हैं. जी इसको आपकी शख्सियत की एक प्रोफेशनलिज्म कहते हैं. जी तो ये आई एम श्योर ये चीज आपके साथ भी होती होगी. आपके आप माशाल्लाह आपने काफी फील्ड में काम किया, आई एम श्योर कि आपके साथ ही काफी चीजें हुई होंगी और आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि जो आपको धोखा दे के निकलता है या फिर आपसे बढ़ के कुछ करना चाहता है वो हमेशा जो है ना कामयाब रहा है, वो उसमें उसे कामयाबी नहीं मिली. मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं तो जर्नलिज्म में थी, हमारे यहाँ तो 3 दिन की जेल हो जाती थी अगर आप. हाँ ओके ओके. प्रिंट मीडिया था और कभी मैंने गलती की नहीं, सारा बोझ मुझ पे होता था. लेकिन एक चीज थी कि जो मेरे स्टूडेंट्स थी या थे, कॉपी एडिटर्स वगैरह को मैं सिखाती थी, लेकिन ज़ाहिर है मैं उसके बाद उसको चेक करती थी क्योंकि एंड ऑफ द डे सारा मेरे पर प्रॉब्लम आएगा. तो जब मैंने उनको कभी डांट दिया या कभी बोला ऐसे किया करा ऐसे क्यों नहीं किया, डेडलाइन पर डांट दिया, तो वो दुश्मन हो गए. तो सबसे पहले उस्ताद की ना इज्जत करना, अगर मैं कह रही हूँ तो उसकी कोई वजह होगी. Exactly. मैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया के अंडर में, आप इतने बड़े न्यूज़पेपर में आप काम कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और वो बच्चे किस्म के बच्चे माइंडेड, हर चीज को ईजी लेना, फेसबुक पे बैठे हुए हैं, मतलब ना डेडलाइन है और फेसबुक पे चैटिंग हो रही है. ड्रॉप करवा दी आईटी वालों से कह के, इतना बड़ा ऑफिस है, आप यहाँ पर एंटर भी नहीं हो सकते. आप मेरी वजह से एज अ स्टूडेंट आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेरा नाम लग रहा है तो आपको जॉब मिल रही है, एंड देन आप अपने उस्ताद की बुराई कर रहे हो. एग्जैक्टली. तो ये है, लेकिन चलता है. क्योंकि कभी कहते हैं अपने उस्ताद की कभी बुराई नहीं करो, क्योंकि लोगों को पता है कि वो किस मुकाम पे है. तो बिल्कुल, आप बिल्कुल. अपने आप को गिरा दोगे, जो सामने वाला है वो बिल्कुल. उसके पास अकल है, तो ये चीज रहती है. तो बस ये सब कुछ तो रहता है. अब यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो हमें जो है और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलो भाई देर आए दुरुस्त आए. अगर वो चला गया, उसने कुछ किया, तो जाहिर सी बात है अच्छे मौके पे चला गया, क्योंकि अल्लाह ताला जाहिर सी बात है अपने तरीके से फिर वो आपको और ज्यादा ब्लेसिंग से मतलब अदा करता है आपको. फिर दूसरे बंदे आ जाते हैं, दूसरे उन्हें रिप्लेस कर देते हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास देखे ना, हमारी टीम में ऑलमोस्ट लाइक 15 हमारे पास लोग हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम आपने देख लिया होगा जो हमने वीडियो बनाई थी रमजान की ग्रीटिंग्स, और जो हमने ये कोरोना वायरस की ग्रीटिंग्स जो बनाई थी वो जो एग्जैक्टली. हाँ आप देखें, आपको मैं तकरीबन क्या 2010 या 11 से जानता हूँ, है ना, हम तब से साथ चलते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये चीज होनी चाहिए कि आप जो है चाहे ऑन ऑफ हो, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है हम साथ हैं और हमारी नीयत एक दूसरे के लिए साफ है. हमारे दूसरे टीम मेंबर्स भी हैं माशाल्लाह, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा जरूर, साहिर और फहद मसूद, उमर खालिद. उमर खालिद देखें, उसको अभी तकरीबन 3-4 साल हो रहे हैं पाकिस्तान में है वो, लेकिन वो हमारे साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, हमें ऐसे लगता ही नहीं कि वो हमसे दूर है. अभी हमारे काफी एक्टर्स जो हैं मोहम्मद असगर और फैसल अबू फहद जितने भी हैं माशाल्लाह से, अरीब रमील, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा मैं, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान रह के भी वो ऐसे साथ हैं, हमें लगता ही नहीं कि वो जो है हमसे दूर हैं, और वो हमें मिस करते हैं, हम उनको मिस करते हैं, और हमारा दिल यही करता है कि हम जो है दोबारा से गैदर हों और इंशाल्लाह कुछ अच्छी नई प्रोडक्शन बनाए, कुछ नई नई चीजें जो है लोगों के सामने लेकर आए. तो ऐसा होना चाहिए, इंसान के अंदर ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि आप अगर खली वली शो के साथ हो किसी मकसद से हो या फिर किसी लालच से हो, ऐसे नहीं होना चाहिए. कोई लालच ना रखे, ठीक है, आराम से अपना काम करते रहो, दैट्स इट. मुझे तो लगता है कि मेरा प्रेजेंस अगर रियाद में है तो वो आप हैं. ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सेम हियर, थैंक यू. अभी बिजनेस एस्टैब्लिश करने में इतना ज्यादा बिजी हो गई, मतलब ना इतना बड़ा कंपनियों का, 6-6 कंपनियों का बोझ और रिसेशन और उस सब चीजों में, अब जाके मैं सेटल हुई हूँ. ये कोरोना बीच में आ गए हैं, कोरोना के बाद सही. तो ये फाइज, मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस को दिखाएं आपका सारा सेटअप वगैरह जो है. हाँ बिल्कुल, मैं जो हूँ आपको अभी सर्वे करवाता हूँ. तो बेसिकली इसका फ्रंट कैमरा होता है ना, मैं आई थिंक होता ही होगा, यस होता है. ओके, तो बेसिकली ये है मेरा छोटा सा स्टूडियो, मैं यहाँ से दूर से दिखाता हूँ थोड़ा. यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली एडिटिंग का काम होता है, ये और ये और ये हमारी जो है कुछ विग्स हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं. ये तमाम विग्स हैं, हैट्स और मास्क और ये क्या? और ये रहा हमारा खली होली शो. ओके, और ये रहा हमारा एफसी फिल्म्स, देख सकते हैं. हाँ,
सो खैर हाँ, यहाँ पे जो है ना बेसिकली कैमरास मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मेरी अच्छी बात ये है कि मैं जो है ना अक्सर अच्छी चीजें जो है ना संभाल के रखता हूँ। यानी ये जो बॉक्स है, ये जो, ये मैं इस कैनन की बात कर रहा था, ये तकरीबन कोई 10 साल पुराना है अब, ठीक है। इसको देखे, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है वैसे का वैसे। मैं इसके तो इससे मैंने स्टार्ट किया था, इससे जो है मैंने जावजात तो जो भी मैंने आपको बताया था तमाम चीजें इससे बनाई थी। फिर उसके बाद हमने अपग्रेड किया इस पे, ब्लैक मैजिक सिनेमा कैमरा 4K, इससे स्टार्ट किया। फिर इस पे जो हमने काफी अभी जो कि जितना भी अभी प्रोफेशनल काम हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज ये वो इससे बनाई जा रही है। फिर इसके बाद मैंने अपग्रेड किया सोनी A7R3, ये अभी लेटेस्ट कैमरा है सोनी A7R3। इसकी अच्छाई ये है कि एक तो बहुत लाइट है, हल्का है, और दूसरा ये इसमें स्लो मोशन बहुत अच्छा है, और ये जो है आपको सिनेमेटिक लुक देता है, और 4K अगेन। तो ये उन लोगों के लिए जो जो देख रहे हैं हमें, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कैमरास वगैरह लेना चाहते हैं, सो अगर आपको बिगिनिंग है, अगर आपकी बिगिनिंग स्टार्टिंग है, तो आप जो है कैनन 650D पे जाइए। इससे भी अच्छे आते हैं, 5D भी आता है और दूसरे भी हैं। सो ये है, यहाँ पे जो है मेरा कुछ सेटअप है। यहाँ पे खैर, यहाँ पे जब हमारे क्लाइंट्स आते हैं या फिर दोस्त आते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं। अगर क्लाइंट्स आते हैं तो हमारी यहाँ पे कायदा से मीटिंग होती है, तो और हम जो है फिर उनके साथ बैठ के डील करके फिर यहाँ पे उनको एडिटिंग करके फाइनल करके दिखाते हैं कि भाई ओके आपका काम ये है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जावजात का जो हमें अवार्ड मिला था। ये है जावजात का हमें अवार्ड मिला था, जो कि सलमान अल यहिया ने दिया था हमें, जनरल ने, और ये हमारे लिए वाकई में बहुत ही एक यादगार चीज है। फिर इसके बाद हम पाकिस्तान राइटर्स क्लब, उन्होंने जो हमें एक एक वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये भी इन्होंने हमारे लिए शो किया था। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारी अचीवमेंट्स हैं इस पे, यहाँ पे हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं। मुझे अक्सर जो है ना ये छोटी मोटी चीजें जमा करने का बहुत शौक है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे सब समझ लें आपको जो है ना, आपको ऐसे लग रहा होगा महल अबू रियालेन है। तो खैर, ये छोटा सा स्टूडियो है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना मैं लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन में भी मतलब यहीं पे गुजारता हूँ, क्योंकि जाहिर से बात है अभी भी मुझे कुछ ना कुछ वो काम आता रहता है, तो मैं यहाँ पे बैठ के करता रहता हूँ। जी तो जल्दी जल्दी से जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि पजामा या ट्राउजर? पजामा। चप्पल और शूज? चप्पल। सादगी देखी मेरी। ओके, एक्टिंग और डायरेक्शन? फंसा दिया ना मुझे। एक्टिंग मेरा बहुत ज्यादा अच्छा शौक है, और डायरेक्शन जो है मेरा एक प्रोफेशन बन चुका हुआ है। सो मैं बेसिकली देखिए एक्टिंग, मैं एक्टिंग पे जाना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अभी एज के उस हिस्से में हूँ जहां पे मुझे बहुत कुछ करना है फिलहाल। डायरेक्शन तब चलेगी जब मैं अपने आप को समझूंगा कि ओके अब जो है मैं उस, मतलब जाहिर सी बात है मैं एज में बड़ा हो जाऊंगा और मैं सोचूंगा कि नहीं भाई मैं अब मुझे अभी नए लड़कों को, जब मेरा शुरू से यही रहा कि चलो नए टैलेंट को काम दिया जाए, तो फिलहाल जो है मैं एक्टिंग को चूज करूंगा। ओके, देन डायरेक्शन और सिंगिंग? ओके, डायरेक्शन। डायरेक्शन, यस। Then, what is your biggest fear? Biggest fear, as such, alhamdulillah, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं rewind पे जा रहा हूँ कि ऐसा कुछ है तो नहीं जिससे मुझे ऐसा डर लगता हो, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। No. Your fantasy? बॉलीवुड, लॉलीवुड, इंशाल्लाह।
फूड, योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड में मेरे दो तीन चीजें हैं, जैसे कि हलीम, हलीम मुझे बहुत पसंद है, हलीम मुझे बहुत पसंद है, मुझे मुझे लस्सी बहुत पसंद है और मुझे, खैर अभी ये दो चीजें काफी अच्छा इफ अगर आप दोबारा से पैदा हो एज अ हिटलर तो आप क्या करेंगे? एज अ हिटलर? हाँ तो मैं क्या करूंगा? हाँ. मैं इस दुनिया से तमाम बुराई खत्म करने की कोशिश करूंगा, हिटलर? उन तमाम, हाँ हाँ हिटलर बनके भी, हाँ मैं ऐसा हिटलर बनना चाहता हूँ कि जो तमाम बुराइयां, तमाम उन लोगों को खत्म करे जो बुराई फैलाते हैं और जो किसी का सुकून नहीं चाहते हैं। मैं ऐसा हिटलर बनना चाहता हूँ मैं सब जी कहेंगे मैं कोरोना खत्म करूँ अरे वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर इस पे कर्म करेगा ताकि इंशाल्लाह खत्म हो, लेकिन कोरोना से भी सबसे बड़ी जो बीमारी है ना वो नफरत की है, जो आपस में फैली हुई है, वो खत्म होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी यही है कि आप किसी को जो है ना ऊपर जाता देख नहीं सकते, आप किसी को तरक्की करता देख नहीं सकते, सबसे बड़ी बीमारी ये है। और इसका नुकसान दुनिया में भी आखिरत में भी। जब हम इसके विक्टिम बनते हैं ना तो हम खुद भी सीधे अच्छे बच्चे बन जाते हैं हाँ वही ना, छोटे होते तो हम भी शायद किसी ना किसी से जालसी और वो कर रहे होते हैं, लेकिन exactly. हमारे साथ करते हैं। हाँ ये चीज होती है, ये एक इंसानी फितरत है कि हमारे अंदर ये चीज होती है, लेकिन इस हद तक नहीं होती है कि आप उसके पीछे बकायदे से प्लानिंग शुरू कर दो कि हाँ भाई ये समझाजीत है, ये क्यों इतना ऊपर जा रही है, इसको जो है किसी तरीके से इधर उधर करके इसको टेंशन दो या फिर इसको इतना मशगूल कर दो इस टेंशन में कि ये अपना काम ही ना कर सके, तो ये तो एक बकायदे से आप प्लान कर रहे हो, ये तो एक जुर्म एक क्राइम है बकायदे से। हाँ मेरे ख्याल में और आप वो लोग हैं, हम लोग की शख्सियत पे कोई असर नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह बरस रहे होंगे उधर से हम काम कर रहे होंगे एग्जैक्टली हमारा मेन ये है कि इग्नोर एंड जस्ट कीप ऑन वॉकिंग दैट्स इट। चिकने गड़े होते हैं ना, चिकने गड़े एग्जैक्टली अच्छा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे कुछ फैंस हैं माशाल्लाह, वो जो है कुछ मैसेज वगैरह कर रहे हैं, हम उनको जो है कुछ मतलब कुछ हाय हेलो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आई एम अब्दुल रहमान, बहुत ज्यादा मैसेजेस कर रहे हैं और या बिल्कुल थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान, आई थिंक ये रियाद में या कहाँ रहते हैं जी, जी हम इनके मैसेजेस जो है वो जरूर देखते हैं, देखना चाहिए, नजर आ रहे हैं। हाँ सुहेल खान सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इनको जानता हूँ, यहाँ पे मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे किंग फैसल फाउंडेशन में होते हैं ये, तो माशाल्लाह इनसे काफी अच्छी हाय हेलो है, तो ये कह रहे हैं कि फैज आप एक्टर फैसल रहमान से बहुत मिलते हो। फैसल रहमान कौन है? फैसल रहमान जो है आई थिंक या ही इज एन एक्टर, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मैं गूगल करूंगा, मैं गूगल करूंगा जाके। थैंक यू सो मच, ओके। उस्ताद की इज्जत मस्ट है, इन्होंने लिखा है, अब्दुल्लाह ने लिखा है। यस 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 वी डू एग्री। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको अगेन वालेकुम सलाम एंड हाय हेलो सब कुछ एंड रमदान करीम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं, यहाँ पे हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ये किसी ने पूछा है गोलाम 2678 की मूवी कब आएगी, कौन सी मूवी वाली, हमने सारी मूवीज की बातें की कौन सी मूवी कब आएगी, बस ही आस्क लाइक दिस। हां वही मेरे ख्याल से वो जो आपने बताई है ना मूवी जो जो शूट करनी है क्या क्या नाम था, मुन्नू। हां मुन्नू हां मुन्नू, उसके बारे में पूछ रहे होंगे, जल्दी आएगी, हम पहले फेस्टिवल्स में देंगे वो मूवी ना। आई हैव सीन यू सेवरल टाइम्स इन TWKS, ये आपके लिए है। हाँ वही खली वाली शो, बाकी सब लोगों ने ऐसी वेव वगैरह किया हुआ है। और हेलो फाइज भाई, बिग फैन रियली, आप तो करेक्टर बहुत सही से करते हो आप। आई थिंक कुछ मसला हुआ है। हाँ वो कोई मसला नहीं है, हम लोग वीडियोस को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं डाउनलोड करके और कनेक्ट करके फिर हम इसका पूरा एक शो जो है वो बना लेंगे। ओके गुड जी, हाँ तो हम इस तरह से ही कर रहे हैं, कल सही थे। हाँ ओके अच्छा वो हुआ था तोशी का हो गया था,
हाँ कल हो गया था उसका, मैं अभी YouTube पे दूंगी, फिर आपको लिंक दूंगी, ओके ओके एडिट गुड करूंगी गुड, उसके लिए। ताकि हम भी उसको इंशाल्लाह यहाँ शेयर पर हम शो करेंगे। करते हैं लाइव, यहाँ पर शो करते हैं और फिर उसको शोज को शो बना के पूरा उसका फिर YouTube पे अपलोड कर देते हैं इस तरह से है। और फिर उसकी बूस्टिंग करते हैं शो की। चली गई या हेलो हूँ। या यस यस दो जी फाइज, तो आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहें तो बताइए, आपके फैंस हैं। हाँ मेरे फैंस और ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, मेन चीज ये याद रखें कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे, आपको फेल होना पड़ेगा। अगर आपको कामयाब होना है तो फेलियर बहुत जरूरी है, और ये नहीं कि आप मतलब जानबूझ के फेल होना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं है। आप जो है मेहनत करते रहें, सच्चे दिल से मेहनत करें और अपनी नीयत को साफ रखें। आप ये ना रखें कि भाई मैंने जो है उस बंदे को जो है ना नीचा दिखाना है, या फिर उस बंदे को जो है ना मैंने कुछ बड़ा बन के दिखा देना है, ऐसा ना करें। आप अपने नेक नीयत के साथ काम करें, अच्छे अच्छी नीयत के साथ, और अल्लाह ताला बरकत डालेगा आपकी आपके काम में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी कोई भी कोई भी। सही, बिल्कुल ठीक है यस, जी। और खासकर उन लोगों के लिए जो न्यू कमर्स हैं, प्लीज शॉर्टकट शॉर्टकट कभी इस्तेमाल ना करना, और किसी को नीचा दिखाने के लिए काम ना करना। हमेशा इस सेंस में काम करो कि आपने जो है अपने आप को इम्प्रूव करना है, और ऐसा इम्प्रूव करना है कि आपका कोई फायदा भी हो जिंदगी में। आप कल जहां से दुनिया से चले भी जाते हो ना, लोग याद करें कि हाँ भाई ये बंदा था, इसने जो है लोगों के लिए कम्युनिटी के लिए कुछ काम किया था। ये नहीं कि हाँ किसी को नीचा दिखा दिया था या फिर ऊपर से ऊंचा होके दिखा दिया था। तो ऐसे काम से क्या फायदा, आपका जिंदगी में कोई फायदा नहीं और जिंदगी के बाद कोई फायदा नहीं। तो ऐसा कुछ करो कि याद किए जाओ दुआओं में बस। अब्दुल रहमान आपसे पूछ रहे हैं कि खली वली शो कब वापस आएगा। हाँ देखा, मैं यही कह रहा था कि काफी अर्सा हो गया, एक बहुत लंबा गैप आ गया, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था, फिल्म मेकिंग में बिजी था। लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास काफी स्क्रिप्ट्स ऐसी रखी हैं और बहुत कमाल की मजे की रखी हुई हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह जैसे रमजान के बाद और ये लॉकडाउन जैसे इंशाल्लाह खत्म होता है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, जैसे ही खत्म होता है इंशाल्लाह हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के लिए नए नए प्रोग्राम्स, एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। और यस, जब भी ये हमारी जो है समीरा अजीज यहाँ पे रियाद में आएंगी या फिर जद्दा आएंगी, तो हमारा जाहिर सी बात है हमारी स्क्रिप्ट अलग से रेडी होती हैं वो काम करने के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह हम दोनों का जो है जो हमारा 1-2 जो चलता है ना वो कॉमेडी में, वो भी इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। सही, तो थैंक यू सो मच फाइज, बहुत अच्छा लगा आपसे माय बात प्लेजर, थैंक करके, और आई एम श्योर के सब लोग बहुत हैप्पी हुए होंगे। यू। और सर समीरा डॉट अजीज डॉट ऑफिशियल, यस आप उस पे यूट्यूब पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम में हर जगह आप ये जो शो है उसको देख सकेंगे। इंशाल्लाह, और ये सिर्फ 24 घंटे के लिए नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग, इसको हम अपलोड करेंगे और बूस्ट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जिस जिसने देखा और जो रिकॉर्डिंग भी देखेगा बाद में। और आप सबसे ये गुजारिश की जाती है कि इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है आज मैं यहाँ पे हूँ, समीरा अजीज के शो पे भी हूँ, तो आप लोगों की वजह से हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कुछ समझा और प्यार दिया। इतना इसी तरह से प्यार करते रहिए और हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मजीद अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फाइज, ओके, थैंक्स टेक सर केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको फाइज चौधरी से मिलके, अच्छा लगा जनाब? तो मैं आपको इसी तरह के मजे मजे के शो, इंस्पिरेशनल स्टोरीज और बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वाले लोग लाती रहूंगी। और जनाब ये जो शो है ये एक टीम वर्क है मुंबई इंडिया से BJM एंटरटेनमेंट के बीरेन बेगाड़िया और मयूर गुप्ता और समीरा अजीज एंटरटेनमेंट के सैद अब्दुल लतीफ, ये इस शो की टीम का हिस्सा हैं जनाब। इन सबको बहुत बहुत शुक्रिया के साथ, फिलहाल अब के लिए आप सबको मां असलामा, बाय बाय।